जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि को सामने आकर के बात करना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि तो जहां जहां नक्सल का मामला होता है उनका जो है मुंह बंद हो जाता है। झारखंड की राजधानी रांची, अनगड़ा, गेतलसूद और टाटिसिल्वे जैसे क्षेत्रों में एक बार फिर से उग्रवादियों का खौफ देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही पोस्टरबाजी की गई थी और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये सब सारा कुछ जानेंगे। और पुलिस महकमे में भी लगातार बैठकें हो रही है, ग्रामीणों के साथ बैठकें हो रही हैं और तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मुस्तफ़ा अंसारी साहब हैं। मुस्तफ़ा जी, बताएंगे कि आप हमेशा से नक्सली गतिविधियों के खिलाफ मूवमेंट चलाते रहते हैं और एक बार फिर से टाटिसिल्वे के आसपास पोस्टरबाजी हुई है, इस घटना को किस तरह से देखते हैं? 13 साल बाद ऐसा हुआ है फिर से दोबारा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड वासियों को जोहार आदाब सलाम करता हूं और मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि जैसा आपने अभी जिक्र किया, चर्चा किया कि इस बार जो है फिर उग्रवादियों का जो है चर्चा शुरू हुआ है और वो पोस्टरबाजी भी है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बस 2010-11 में सबसे पहले इन लोगों ने बहाव राव का हत्या किया, उसके बाद लक्ष्मी मुंडा का हत्या किया, फिर महेश्वर महतो का हत्या किया, उसके बाद तहसील थाना क्षेत्र अंतर्गत प्लास्टिक फैक्ट्री के मालिक सुशील केजरीवाल का हत्या किया। उस पीरियड में हमने एक आंदोलन खड़ा किया ग्रामीणों को ऑर्गेनाइज करके, संगठित करके, और पूरा एक तरह से कहिए तो इनका जो है सफाया हम लोगों ने कर दिया था मिलजुल करके। ये घटना 2009-10 की है, उसके बाद बिल्कुल शांत था। इस बात का पुष्टि स्पेशल ब्रांच के लोगों ने भी किया कि भाई मुस्तफ़ा जी ने उग्रवादियों को जो है रांची जिला के नामकोम, टाटिसिल्वे, अनगड़ा, सिल्ली और मांझी जो है ग्रामीणों को संगठित करके भगाने का काम किया है। लेकिन अभी अभी फिर जो है देखे 2024 का अगस्त, 26 अगस्त की रात में जो रांची पुरलिया रोड में जो काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम ले रहा है, ठेकेदार जो काम करा रहे हैं, उनकी गाड़ी खड़ी थी अनगड़ा थाना क्षेत्र में वोदली पोखर में, वहाँ पर इनकी जब गाड़ी खड़ी थी तो उसमें इन लोगों ने क्या किया कि पोस्टर दे दिया आई के नाम पर और कोई सम जादव है उनका लिखने वाला है। उनका ये कहना है कि मेरे बगैर आदेश का काम नहीं, तो क्या ये लोग इन्हीं के आदेश से काम चलेगा? यहाँ पर उग्रवादियों का जो है यहाँ सल्तनत चलता है क्या? हम लोगों ने आज हमारे गांव में भी मीटिंग हुई, उसमें थाना प्रभारी जी भी गए हुए थे और हम लोगों ने ये स्पेशल कहा है कि किसी भी हाल पर इन जो है उग्रवादियों को हम लोग पनपने नहीं देंगे, इसके लिए हम लोग मुहिम चलाएंगे। आज हिसल में जो है सके बैठक हुई है, उसके बाद जो है 8 तारीख को फिर महेशपुर में बैठक होना है, 7 तारीख को जोना में बैठक होना है, अभी भी अनगड़ा में जो है बैठक हो रही है, सामाजिक लोगों का मुखिया है, पंचायत समिति, तमाम लोगों की बैठक हो रही है। तो हम लोग इस इलाका में किसी भी हाल में इनको पनपने नहीं देंगे। बहुत लोग डर जाते हैं, डर के मारे कुछ बोलते भी नहीं हैं, देखते भी हैं कि यहाँ गलत हो रहा है लेकिन नहीं बोलते। मैं तो बार बार इस बात को बोलता हूँ कि अगर इसी तरह जो है जिस तरह की जनता सोचती है, कुछ लोग सोचते हैं, अगर ऐसी सोच महात्मा गांधी पैदा करते तो मैं समझता हूँ कि ये देश आज आज़ाद नहीं होता और वो अंग्रेज़ों के हाथ में था। तो ये जो उग्रवादी है, चाहे कोई भी उग्रवादी संगठन है, ठीक है, जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी उस दिन तो पुलिस की तो डर इनको रहती ही रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा डर और भय जो है उग्रवादियों के आम जनता से है। सिर्फ आम जनता को खड़ा होने की ज़रूरत है। जब आम जनता खड़ी होगी तो मैं समझता हूँ कि ये उग्रवादी जो है वो कहाँ चले जाएंगे, इनका अता पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमपी हो, जो भी हो, कभी इन उग्रवादियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, इनको बोलना चाहिए। एक छोटा सा घटना घट जाएगा तो आप देखिएगा विधानसभा में हंगामा हो जाता है, पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक होने लगता है, लेकिन इतने पुलिस पदाधिकारी मारे जा रहे हैं, इतनी संपत्ति को जलाई जा रही है। आपको मालूम होगा कि आपको लातेहार में एक पुलिस अफसर को जो है मार करके उसके पेट में बम फिट कर दिया गया, जब पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो देखता कि पहले से ही बम फिट है, उसके लिए लोगों ने कुछ नहीं मिला। बलिहार एसपी मारे गए, उनको जो उग्रवादियों ने मार कर खत्म कर दिया, उसके लिए नहीं बोलते हैं लोग। एक बात बताएंगे, अभी चुनाव 2 महीने बाद होने वाले हैं, तो क्या इस तरह का जो घटना गतिविधि हो रहा है और एक दहशत का माहौल फैलाने का पैदा कोशिश किया जा रहा है, तो चुनाव को लेकर इसका कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, चुनाव से इसको कोई मतलब नहीं है, ये लोग तो दोहन करते हैं, तो मैं तो इनको कोई संगठन नहीं मानता, ये तो अपराधियों का एक ग्रुप है। ये लोग तो कहा कि भय पैदा करो, पोस्टर सांटो, एक आध को मारो और पैसा तसीलते रहो, तो ये तो एक तरह से कही तो विकास का काम को बाधित कर रहे हैं ये लोग, विकास का काम को जो है रोक रहे हैं ये लोग। आपको पता है जिस दिन जो रात को सांटा है उस दिन से जो है जितने भी ठेकेदार के काम करने वाले बाहर के लोग तो डर के मारे भाग गए हैं
और इससे जो है पूरे झारखंड का एक गलत मैसेज जा रहा है। कोई भी बाहर की कंपनी आती है यहाँ काम करने के लिए, उसको आप पोस्टर सांटोगे, उसके लोगों को गोली मारोगे, तो उससे तो जो है झारखंड की छवि भी खराब होती है और विकास का काम बाधित भी तो होता है। अफसर कोई काम करना नहीं चाहता है, बाहर से जो भी ठेकेदार आते हैं या जो भी बाहर की कंपनी आती है वो डर के मारे झारखंड में काम करने नहीं चाहता है। ये तो सेफ जोन होना चाहिए था झारखंड, लेकिन तो ये तो अनसेफ हो गया है। सुरक्षा के मामले में बिल्कुल कोसों दूर है इस तरह के नक्सल के मामले में। उसमें मैं तो मानता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि को सामने आकर के बात करना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि तो जहाँ जहाँ नक्सल का मामला होता है उनका जो है मुँह बंद हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे मुस्तफ़ा अंसारी साहब से, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हर तरह के गतिविधियों में जनता के साथ जुड़े रहते हैं और प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ की तमाम घटनाओं से आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।